नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के गोविंदपुर के पहला कदम स्कूल के दिव्यांग बच्चों के लिए ये होली कई मायनों में खास रही। इन बच्चों ने होली के इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित पार्क लैंड रिजॉर्ट में होली के त्यौहार का आनंद लिया, जहां उन्होंने खूब मस्ती की, तो वहीं उन्हें इस शानदार रिजॉर्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहला कदम स्कूल की ओनर अनीता अग्रवाल ने पार्क लैंड रिजॉर्ट के मालिक रंजीत यादव का इस कार्यक्रम के लिए आभार जताया, जिन्होंने इन विशेष बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पहला कदम एक स्पेशल चाइल्ड के लिए चल रहा है और पहला कदम हम संचालन कर रहे हैं, तो मेरी कोई भी शुरुआत पहला कदम के बच्चों के साथ ही होती है। किसी भी त्यौहार हो और दिन की शुरुआत जैसे भगवान से करते हैं, हम लोग पहला कदम के बच्चों के साथ। ये चैरिटी का नाम ही पहला कदम है क्या? हाँ, ये चैरिटी का नाम हो गया नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंतर्गत ये पहला कदम आता है। हाँ, अभी कुछ सवाल आपने किया भी था कि पहला कदम ग्रामीण में बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के कोई भी बच्चे नज़र आते हैं तो बेशक आप पहला कदम में उनको कॉन्टेक्ट करिए। और ये संस्था जो है ये निःशुल्क ही है, ऐसे कोई भी प्रेशराइज बच्चों के ऊपर में या बच्चों के पेरेंट्स पर नहीं है, लेकिन गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है। अगर वो दे तो एज ए डोनेशन, बट वहाँ कोई फीस वगैरह ऐसा कुछ भी वहाँ पे सिस्टम नहीं है। हमारी कोशिश रहती थी कि बच्चे हर फंक्शंस में बाहर सेलिब्रेट करें, और हर महीने हम लोग कहीं ना कहीं आउटर बच्चों को लेके जाते हैं, जिससे बच्चों का डेवलप भी होता है, खाली वो घूमते नहीं। आज जो बच्चे यहाँ पे आए, आप नहीं जानते कि इसके अंदर की कितनी चीज़ की हम लोग डेवलपमेंट कर पाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने भैया से खाली फ़ोन पर रिक्वेस्ट किया कि भैया क्या हम लोग इस तरीके से होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज आप देखे होंगे कि सुबह 9 बजे से ही पूरी तैयारी चल रही थी। सुबह से स्नैक्स है बच्चों के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूटी है, अभी लंच है। वहीं पार्क लैंड रिजॉर्ट के मालिक रंजीत यादव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो इन दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कर पाए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये विशेष बच्चे हर होली उनके रिजॉर्ट में आकर मनाएं। उन्होंने समाज के गणमान्य लोगों से अपील की कि वो भी इन दिव्यांग बच्चों की मदद करें, ताकि ये विशेष बच्चे दूसरे बच्चों की तरह समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बना सकें। आज का प्रोग्राम जो है होली के उपलक्ष्य में, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में जो प्रसन्नता मिल सकती है, उनको उन प्रसन्नता और खुशी दिलाना मकसद है। उनके साथ हमारा जो होली का कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया इस रिसोर्ट में, पहला कदम स्कूल है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका संभाला जाता है। मिसेज अनीता अग्रवाल के द्वारा उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था, उनके साथ हम लोगों ने होली मनाया और उनका उत्साह बढ़ाया। यहाँ बता दें कि नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत पहला कदम स्कूल का संचालन किया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें तरह तरह से निपुण किया जाता है। एआरआई न्यूज के लिए तपन मंडल की रिपोर्ट।